नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका रोड टॉक्स में और मैं हूं प्रदीप सिखवाल। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं अपने गांव श्री डूंगरगढ़ आ गया था, तो आपको श्री डूंगरगढ़ के आसपास की जगह जो घूमने की है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो शुरू करते हैं आज का सफर। लास्ट फ्यूल आगरा में लिया था हमने और आगरा के बाद में अब श्री डूंगरगढ़ में ले रहे हैं फ्यूल, टैंक फुल करा रहे हैं और यहाँ पे रेट है 96.16। टैंक फुल हो गया और ये भाई है अमित बाना है और ये पेट्रोल पंप भी मेरे अंकल का है, रुद्रा पेट्रोल पंप है श्री डूंगरगढ़ में। तो क्या भाई अमित, फुल कर दियो टैंक? हाँ, फुल हो गया, 4000। वाह भाई वाह अमित, बहुत बढ़िया। आगरा से लेके अभी तक गाड़ी चली है 588 किलोमीटर्स और अभी डीजल आया है 41 लीटर्स, 14.34 का माइलेज निकला है। आज की जर्नी में हमारे साथ है नंदू भैया, है कलकत्ता से आए हैं। हेलो। जो मेरे साथ में है राशि दीदी और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इनके साथ में और काफी सालों बाद हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, आनंद कुछ और है। तो आज हम प्लान बना रहे हैं, पहले लखासर भैरू जी जाएंगे, वहाँ से पुंडरासर बालाजी जाएंगे। नेशनल हाईवे 11 है ये, आगरा से जैसलमेर है ये हाईवे। हाईवे के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं और यहाँ से 60 किलोमीटर आगे बीकानेर है और बीकानेर के बाद में जैसलमेर। बड़ा ही सुंदर द्वार बना हुआ है मंदिर का और यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। मंदिर थोड़ा टीले के ऊपर में है, सैंड ड्यून के ऊपर में है और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। दोनों तरफ देखिए पेड़ कितने अच्छे लगा रखे हैं। भैरू जी के मंदिर पे पहुँच गए हैं, यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत साफ सुथरा मंदिर है ये। बड़ी सुंदर मूर्ति है और बहुत अच्छी तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ मंदिर में मुझे मेहताब जी और तुलसीराम जी मिले हैं, तो आइए जानते हैं इनसे इस मंदिर के बारे में, ये और विस्तार में अपन को बताएंगे मंदिर के लिए। बताओ सर। महाराजा गंगा सिंह जी का बना हुआ मंदिर है। अच्छा। और 106 साल हो गया। अच्छा अच्छा। 1972 में इसकी हुई थी स्थापना, हुई थी स्थापना। हाँ। मंदिर तो और पुराना है, पहले तो कच्चा मंदिर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में और गंगा सिंह जी ने स्थापना कराया बाद में। मंदिर तो कम स्थापना तो आप गंगा सिंह चुने मोटो हो गया और बाकी। हाँ। तो 300 वर्ष पहले बहुत पुराना है ना, 300 वर्षों पहले के ना टाली बजाओ तो आई मंदिर हो, कच्चो मंदिर। तो अगर आपको ध्यान नहीं हो तो महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा थे। कोई नाम मतलब गंगा सिंह जी रहे झालर बाजे अट कोई स्थान है, रात रात रहा खोड़ियो है धूपियो नीचे पूछो दिन कियो महाराज मारे भैरू जी रो मंदिर है सियाण आवड़ा है सियाण 127 बीघा जमीन आप मंदिर के नाम है। मंदिर ला रहे हैं 27 बीघा ओरण भैरू जी ओरण है, कोई बाबा को नहीं और मैं पुजारी परिवार है काम मान कोई काम कोई जरूरी हो दिन पे दिन गेरा टू तू जाने सेवा करा दन किया हाथ जोड़ किया के महाराज मारे काम हो सफल हो जावे थाराट बाबा धोरे मत एक मंदिर बना दे। पर्चो हो गंगा सिंह मान गंगा सिंह ने पर्चो हो। इस मंदिर की एक खासियत और है, यहाँ जितने भी दानदाता जो डोनेट करते हैं और ये सब जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी अपना नाम नहीं लगाता, ये सारा कंस्ट्रक्शन गंगा सिंह जी के नाम से ही अभी तक चलते हुए आ रहा है। तो ये अभी तुलसीराम जी ने मेरे को जानकारी दी। ये भी एक छोटा मंदिर है यहाँ पे बाहर, ये भी प्राचीन मंदिर ही है। ये इस मंदिर की पूरी जानकारी है यहाँ पे कि कब ये मंदिर बना था और बहुत ही वेल मेंटेन्ड मंदिर है। बचपन में आनंद अलग ही आता है, कोई चीज़ की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, सब मन मस्त है, मौजी हैं। मुकेश जी और माल जी मिल गए हैं यहाँ पे, ये सब्सक्राइबर है मेरे,
अचानक ही यहाँ मिल गए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और मुकेश जी और माल जी यहाँ लखासर के लोकल हैं। सर हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुकेश जी। सेरुना पहुँच चुके हैं और यहाँ गेट बना हुआ है पुंडरा सर बालाजी का, तो यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा अगर आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो। इस गेट से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर अंदर चलना है अपने को, और बीच में एक अंजनी माता का मंदिर भी आएगा, तो पहले वहां रुकेंगे फिर पुंडरा सर बालाजी चलेंगे। रेगिस्तान का जहाज जा रहा है। ये देखिए कितने बेर लगे हुए हैं, रेगिस्तान के एप्पल हैं ये, बड़े ही टेस्टी होते हैं और खाने में बड़ा मजा आता है। किन्नो आ रहा हो? पुंडरा सर हूँ। बाबा का दर्शन कर रहा हो क्या? बाबा का दर्शन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय बाबा री, जय बाबा जी, जय बाबा। पुंडरा सर मंदिर पहुंचने से पहले ही एक बड़ा सुंदर ये मंदिर बना हुआ है अंजनी माता का। इस मंदिर के निर्माण में जिन भी लोगों ने सहयोग किया है उनकी सूची यहाँ लगी हुई है। जो बुजुर्ग लोग हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए एक ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। एक चैनल है, चैनल पे कुर्सी लगी हुई है, ऑटोमेटेड है। आप यहाँ नीचे से बैठ जाइए इस पे और इसकी मोटर चालू कर दीजिए तो अपने आप ऊपर उतर जाएंगे। और यहाँ जितनी भी सीढ़ी लगी हुई है उन सब पे ये चेयर्स लगी हुई हैं। बड़ा ही वेल मेंटेन्ड गार्डन भी यहाँ पे है। फुहारे लगे हुए हैं, अभी फुहारे शुरू नहीं है। अंजनी माता की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ स्थापित है। और बहुत ही शानदार कारीगरी करी हुई है इस मंदिर में। और इसका सीलिंग अगर आप देखें, इसकी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई सीलिंग है। शैंडलेयर इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर ये जालियां लगी हुई है। ये इसकी फ्लोरिंग देखिए, फ्लोरिंग में भी मार्बल पे इनले वर्क किया हुआ है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। शिवजी की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। प्योर वाइट मार्बल से ये मूर्तियाँ बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है मूर्तियाँ। इन मूर्तियों की आंखों में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साक्षात हमको देख रही हैं। यहाँ राम दरबार स्थापित है, और जहाँ श्री राम है ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ श्री हनुमान ना हो, तो हनुमान जी भी यहाँ विराजमान हैं। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। अच्छा राजल देसर। अच्छा कब से आप हैं यहाँ पे? 9 साल। 9 साल से यही सेवा दे रहे हैं आप? स्टार्टिंग से। अच्छा अच्छा 2014 में प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की। अच्छा। और निर्मित जो किया वो कोलकाता ट्रस्ट ने किया। अच्छा। और मंदिर की वॉल्स पे चारों तरफ ये ऐसी मूर्तियां और स्थापित हुई भी हैं। छोटे छोटे भक्त लोग हैं दर्शन करने आए हैं। यहाँ एक ये काउंटर बना हुआ है, तो अगर आप गौ माता के लिए कुछ दान देना चाहें तो आप जरूर यहाँ संपर्क करें और
भाई साहब हैं यहाँ पे, ये आपको बताएंगे इस गौशाला के बारे में। ये मंदिर अंजनी माता मंदिर गौशाला के प्रांगण में ये अंजनी माता मंदिर बना है। अच्छा, ये पुरानी गौशाला है, 35 साल पुरानी गौशाला है। जी जी, किसी टाइम में ये अकाल रात अंजनी माता गौशाला थी शमशान भूमि में गांव में। अच्छा, उसके बाद में कि एक दानदाता है मुरलीधर जी अग्रवाल जो अहमदाबाद में मिठाई का दुकान है, उन्होंने ये 60 बीघा जमीन गौशाला के नाम से दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ अगर कोई चाय कॉफ़ी पीनी है, कुछ नाश्ता करना है, तो ये सब शॉप्स भी बनी हुई है यहाँ पे, और बहुत अच्छा सुंदर बैठने की व्यवस्था है और सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। पूर्णरा सर बालाजी के मंदिर में पहुँच गए हैं। ये इस मंदिर का पूरा प्रांगण है। यहाँ मंदिर में कंस्ट्रक्शन काम शुरू है, कुछ कारणवश रुका हुआ है। ये बड़ा ही भव्य मंदिर बनने वाला है यहाँ पे। पूर्णरा सर बालाजी मंदिर की मान्यता बहुत विख्यात है, बहुत श्रद्धालु हैं जो हमेशा यहाँ आते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। पंडित जी जोत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, और अब मंदिर के जस्ट पास में ही एक स्थान और है जहाँ पे अखंड हनुमान जी के पाठ चलते रहते हैं, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ ये अखंड पाठ हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ लगातार निरंतर यहाँ पाठ करते रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पाठ होते हैं। और ये दिया भी अखंड दिया है। एडिटिंग करते वक्त ध्यान आया कि मैंने एंडिंग नोट तो दिया नहीं था, तो ये बाद में शूट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।